हेलो गाइस, सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल द देसी वन। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरे व्लॉग्स को बहुत प्यार दे रहे हो और मुझे बहुत खुशी हो रही है इससे। और सबसे पहले ना मैं अपना चांद सा प्यारा सा चेहरा दिखा दूँ आपको, तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आज ना मिकी बिल्कुल काइंड नहीं है, तो वो मेरे साथ नहीं चल रहा है। नहीं, उसको काम था तो वो नहीं आया। मैं खुद जा रही हूँ सोलो, आई एम इंडिपेंडेंट वुमन। यस गाइस, सो आज मैं जा रही हूँ सरोजनी मार्केट शॉपिंग करने, वो भी सोलो अकेले, बिकॉज मुझे ऐसे ही पसंद आता है कोई चिक चिक के बिना, कि जल्दी चलो, ये मत लो, वो मत करो, ये हो, तो मैं ऐसे ही जाना प्रेफर करती हूँ। और मेट्रो सबसे इजी तरीका है दिल्ली में अगर आपको कहीं पे भी जाना है, नहीं तो ट्रैफिक में ही आप फंस जाते हो। तो इसीलिए मैंने मेट्रो ले ली। आने के बाद ना जब मैं जा रही थी, ऑलमोस्ट 10:30 बजे थे आई गेस, तो मेट्रो पूरी खाली थी, बहुत अच्छा था। और बस बैठे बैठे अब हम जा रहे हैं सीधा, और मेरे घर से ना मेट्रो सरोजनी जाने के लिए ना 2 चेंज करनी पड़ती है। तो अब मैं सेकेंड स्टेशन पे पहुंच गई हूँ, जहाँ से मुझे सेकेंड मेट्रो पकड़नी है, पकड़नी नहीं है गाइस, लेकिन बैठना है उसमें। यस, आज का ना सबसे स्पेशल क्या है पता है व्लॉग में, चलना। मैं यहाँ पे आ गई हूँ NSP, और इतना चली हूँ मैं NSP पे, आई मीन पिंक लाइन मुझे जाना था, और पिंक लाइन जाते 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 इतना चलना है कि मैं क्या बताऊँ। बस चलते चलते ही मैं पहुँच गई हूँ अब पिंक लाइन, और मैंने इतना कभी नहीं चला है रेगुलर लाइफ में जितना मैंने कल चला है। और पिंक लाइन पे आने के बाद मैं सबसे पहले एक पिंक सिम्बॉल ढूंढती हूँ, वो है ये, केवल महिलाएं ओनली लेडीज़। तो लेडीज़ वाले डिपार्टमेंट में ही मैं बैठती हूँ हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ। और अब नज़ारा लेते लेते, बाहर देखते देखते हम पहुँच गए सरोजनी मार्केट। आधा घंटा पौना घंटा समथिंग लगता है, उससे भी कम लगता है गैस। तो अब हम देखने वाले स्वर्ग के दरवाजे हैं। यस गाइस, जहाँ पे शॉपिंग होती है ना मेरे लिए जन्नत वहीं होती है। और अब हम आ गए जन्नत में, और मैं 2 नंबर गेट से निकली थी, और सामने सरोजनी मार्केट है, हार्डली 1 मिनट का वॉक है। और आते ही ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पटरी वाले जो नीचे लगाते हैं ना, वो लोग बैठे होते हैं, उनके पास भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है और रिजनेबल चीज़ें होती है। अब हम जाने वाले हैं सरोजनी नगर के अंदर, आई एम सो एक्साइटेड लिटरली। लेकिन अंदर आने के बाद ना वो बबल बर्स्ट हो गया था, बिकॉज यहाँ पे एक तो बिल्कुल खाली खाली लग रहा था, और 100, 150, 200 वाले जो जगहें लगी थी ना, वो तो दिखाने लायक नहीं थी, आई मीन। और ये जो जगह थी ये तो पूरा ही खाली था, सिर्फ एक जो जैकेट वाला था वहीं बैठा था। और ये 11:45 या 12 बजे का है जो आप देख रहे हो, और ये था शॉप जो इतनी बढ़िया थी। जैकेट्स और हुडीज़ जो है वो प्रिंटेड में थे, जिसे नहीं पता हो उसे बता दूँ कि मैं प्रिंटेड टी शर्ट्स का काम करती हूँ। और यहाँ पर 150 के ट्राउज़र्स कह लो, जीन्स कह लो, वो सब इतने ज़्यादा कलरफुल और इतनी वैरायटी में थे। मैंने भी कुछ लिए हैं जो कि मैं आपको बाद में वीडियो में दिखा दूंगी, एंड आई लव दिस क्वालिटी। यहाँ पे 100 रुपीज़ के ना विंटर स्कर्ट थी, वो भी शॉर्ट्स। मुझे ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता, आई मीन हाँ स्टाइल के लिए पहनते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ही अजीब सा लगता है। उसके बाद ना हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज यहाँ पे अवेलेबल है, खास करके इसमें ऑक्सीडाइज में, लेकिन ये स्टॉल ना 30 रुपीज़ में था सिर्फ, आई मीन रेगुलर लाइफ के लिए अगर आप 30 रुपीज़ में ये लेते हो तो वर्थ है। और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थी, यही वाले जैकेट ऑलमोस्ट आपको सरोजनी में हर दूसरे जगह पर देखने मिलेंगे। 200 के जीन्सेस थे, अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन आपको देख कर लेना पड़ता है, बट वो फिटिंग्स अच्छे नहीं होते, तो आई नेवर बाय दैट। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडियों में जो शॉल यूज़ करते हैं वो काफ़ी वैरायटी और चटक भटक में मिल रही थी, और एथनिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे। ये पर्टिकुलरली ये शॉप थी, ये मेरी सबसे फेवरेट जगह थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिज़ाइंस इतनी ज़्यादा अच्छी मिल रही थी, और 61 नंबर था ये बहुत ही अमेजिंग थी। यहाँ पे जाना मस्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं। आई बाय समथिंग, एंड उसके ही साथ मुझे ये देखने मिला जूती जो होती है इंडियन जूतीस, उसकी जो स्टॉल थी, और ये है महेंद्र स्वीट्स है, ये रहा उसके बिल्कुल ऑपोजिट में, और मार्केट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। हाँ, तो अब हम जाएंगे वापस, यहाँ से मस्ट है जूतियाँ खरीदना, मैंने खरीदी है, बहुत अच्छी है। और ये शॉप जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे कलेक्शन थे, लेकिन रेट 1 रुपया भी कम नहीं था, और जो स्टॉल्स है ना गाइस वो मुझे नहीं पसंद आए। उसके बाद इसके ना ऐसी इयररिंग्स का बहुत हाइप देखा है मैंने यूट्यूब पे, बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन नहीं मिल रही थी कहीं पे भी, नहीं था वो दुकान वाला। और फिर मुझे मिली ये आंटी, इनके पास भी वैसे सेम थी लेकिन कुछ अलग थी, 80 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के बीच में थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद ये फ्लिप फ्लॉप चप्पल सैंडल्स जो भी आप गिनो यही थे, और बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हर शॉप पे ऑलमोस्ट यही डिज़ाइंस थे और मुझे यही मिल रहे थे। और तो हम गए थे जीन्स वाली जगहों पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ अब,
और मेरा मोबाइल भी नीचे गिर गया था तो वो भी बंद हो गया, और फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। यस, और वो इतनी भीड़ हो गई थी कि वहाँ पे आप हाथ उठा के शूट भी नहीं कर पा रहे थे। और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो अच्छी जगह थी ना, जो मैंने एक दो आपको दिखाई, मैंने वही आपको दिखाई। मुझे भीड़ में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और जाते जाते रास्ते में भी ये शॉप मुझे दिख गई, और यहाँ पे 200-250 में ना इतने बढ़िया जैकेट्स थे जो कि मैंने भी बाय किए। मैं आपको बाद में बताऊँगी कैसे है। और अब हम निकलेंगे सरोजनी मार्केट से। सरोजनी मार्केट का आज जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ चलना चलना चलना, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में कभी इतना नहीं चली हूँ। घर से मैं आपको लेकर आई थी तो मैं घर ही आपको लेके जाऊँगी, इससे भी डबल भीड़ अंदर थी। और यहाँ पे कुछ चाइल्ड अब्यूज़ का एक तो ये लोग नाटक दिखा रहे थे, शो कर रहे थे, वो मैंने थोड़ी देर खड़े होकर देखा, बच्चे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा था चाइल्ड अब्यूज़ को स्टॉप करने के लिए। उसके बाद महिलाएँ इधर है और पुरुष इधर है, नहीं है पुरुष नहीं है, सारी महिलाएँ पुरुष सब है। मैंने ना 2 मेट्रो ऑलरेडी जाने दिए इन भीड़ के कारण, इससे आई गेस 4 गुना भीड़ अंदर थी, फिर भी मैंने किसी तरह मेट्रो पकड़ ली। अब हम जाएंगे कुछ खाने, और मैं खा रही हूँ स्वीट कॉर्न, बिकॉज मैं डाइट पे हूँ तो मैं कुछ और नहीं खा सकती, अच्छे नागरिक की तरह इसको मैं फेंकूंगी। अब हम आ गए घर और करेंगे आज के व्लॉग को टाटा बाय बाय। बाय करने के बाद अब हम सीधा जाएंगे घर, क्योंकि शाम हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू।